हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हैं और उसमें डेली के डेली पंद्रह बीस एम अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब हर रोज जो डिलीट हो जाता है और हर रोज आपको डाउनलोड करना पड़ता है सुबह सुबह तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया हुआ था जिसमें सैमसंग का डेली अपडेट का प्रॉब्लम मैं हंड्रेड सॉल्व किया हुआ था क्योंकि वो मोबाइल मेरे पास था इसीलिए उसमें का मैं सेटिंग अच्छे से आप सभी को बता पाया हूँ लेकिन टेक्नो का मोबाइल हो गया इनफिनिक्स हो गया और एक लीटी वी करके भी कमेंट आ रहा है उसमें भी डेली अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी मोबाइल तो मेरे पास है नहीं

लेकिन जैसे वो भी अपडेट आया है उसमें कोई बग है और छोटा मोटा बग को फिक्स करने के लिए फ्री फायर दस पंद्रह एम का जब अपडेट ले आता है तब ये मोबाइल में प्रॉब्लम आने लग जाता है कि वो अपडेट डेली के डेली हम लोग को मांगने लगता है और जिस भी मोबाइल में डेली अपडेट का प्रॉब्लम आता है उसमें डेली एक्सपेंशन पे डिलीट होने का भी प्रॉब्लम रहता ही है ये डेली अपडेट का प्रॉब्लम यही कारण से आता है की हम लोग का जो मोबाइल का सिक्योरिटी एप्लीकेशन होता है जितना भी हम लोग का लेटेस्ट मोबाइल है उन सभी में कोई ना कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशन होता है देख लीजिए मेरे रेडमी का मोबाइल है इसमें भी है और हम लोग का इन्फिनिक्स में भी रहता है है टेक्नो में भी रहता है सैमसंग में भी रहता है ये सभी सिक्योरिटी एप्लीकेशन या तो फिर कोई क्लीनर एप्लीकेशन रहता है ये क्या करते हैं कि जो भी अननेसेसरी रहता है उसको डिलीट कर देता है जैसे मेरा सिक्योरिटी एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ रेडमी का और उसके बाद यहां पर से सेटिंग में चले जाता हूँ फिर इसमें क्लीनर करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सभी का सिक्योरिटी एप्लीकेशन अलग रहता है सभी का यू अलग रहता है तो सभी में सेटिंग अलग अलग मिलेगा आपको ठीक है मैं रेडमी में दिखा रहा हूं ऐसा आपको सभी में नहीं मिलेगा और सैमसंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सैमसंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया

होगा आपको अच्छे से ढूंढना है या तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको बोलना कि मेरे में से डेली के डेली डिलीट हो जा रहा है कुछ चीजें तो फिर उसको ऑफ करना है मतलब डिलीट के ऑप्शन को ऑफ करना है तो वो ढूंढ करके आपके में ऑफ कर देंगे तो यही होता है मेरे रेडमी का आप सेटिंग देख लीजिए और सैमसंग का अलग से सेटिंग रहता है उसके लिए मैं परमानेंट वीडियो बनाया हुआ हूँ लेकिन अगर आपके पास टेक्नो का है इन्फिनिक्स का है या फिर ली टीवी का है और उसमें प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन से ही प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसी सेटिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ठीक है और अगर आपके में कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशन नहीं है तो सैमसंग में क्या है उसमें हम लोग के सेटिंग के अंदर मिलता है मेन सेटिंग में जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पर माई डिवाइस करके ऑप्शन रहता है उसके अंदर हम लोग को सेटिंग मिलता है तो हो सकता है आपके मोबाइल में भी वैसा हो लेकिन ये जो सिक्योरिटी रहेगा ना माई डिवाइस या फिर सिक्योरिटी या फिर क्लीनर एप्लीकेशन इन्हीं सब एप्लीकेशन के अंदर ही ये सब सेटिंग मिलेगा आपको तो यार मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था भाई की ली टीवी का मोबाइल है उसमें डेली अपडेट का प्रॉब्लम आ जा रहा है पता नहीं उस मोबाइल के बारे में मैं कभी सुना नहीं यार उस मोबाइल को मेरे को मिलता तो मैं सॉल्व भी कर देता लेकिन मेरे पास है ही नहीं और वैसे ही टेक्नो का मोबाइल भी मुझे नहीं मिला इन्फिनिक्स का मोबाइल भी मुझे नहीं मिला इसी कारण से मैं मैं ऐसा वीडियो बनाना जिसमें मतलब सभी के लिए मैं समझा कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है और आप आप तो इसको कैसे कर सकते हैं सो आई होप दोस्तों आप सभी को मैं समझा पाया हूँ मेन प्रॉब्लम क्या रहता है आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी या फिर क्लीनर एप्लीकेशन पे ध्यान देना है बस वहीं पर आपको सेटिंग मिलेगा और आपको इसको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा यार या फिर मेरे पास मोबाइल कभी मिल गया तो मैं बना करके आपको वीडियो दिखा दूंगा लेकिन मेरे पास मोबाइल अभी है नहीं इसी कारण से खुद ही आपको फाइंड करना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए थैंक यू